सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ आपके लिए राठी, साहिवाल, थारपारकर इत्यादि देसी गोवंश की वीडियो लेके आते रहते हैं, पर आज की वीडियो के अंदर आपको साहिवाल गोवंश की वीडियो देखने को मिल रही है। तो उससे पहले जो भी किसान मित्र आपके अपने इस चैनल पर पहली बार आए और जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दिया गया है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि चैनल पर जो वीडियो आती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, बात करते हैं गोवंश के डिटेल के बारे में। तो आज की गोवंश जो आप वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो, साहिवाल ब्रीड के अंदर है। साथ में मेल काफ है, बछड़ा है, और दूध देने की क्षमता जो कि आप इसके अटर की क्वालिटी देखकर खुद आइडिया और अनुमान लगा सकते हैं। वैसे गाय जो अभी सेकेंड टाइम जो अभी काफ को जन्म दिया है, अभी ताजी ही इस गाय की अभी डिलीवरी हुई है, पर अटर की बनावट कॉम्पैक्ट साइज के अटर की क्वालिटी, यानी कि इस तरह के अटर की क्वालिटी हर गोवंश के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती। जैसे कि टीट्स के साइज़ के बारे में बात करें, तो मुठिया थनों के अंदर जो स्पेस बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, और ये जो गोवंश है आज आपके लिए फोर सेल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। और दोस्तों, उसके बाद में जो बात आती है मेनली स्वभाव के बारे में गोवंश का, कि गाय का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, वो आप देख लीजिए। बिल्कुल शांत स्वभाव की गोवंश, अगर अभी इसकी ताज़ी ही अभी डिलीवरी हुई है, पर फिर भी गाय के द्वारा ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि गाय पास ना आने दे या फिर भागदौड़ करने वाली हो। बिल्कुल शांत चित्त की गोवंश है। और वैसे अगर अपने बात करें, जब देसी गोवंश के अंदर राठी है या साहिवाल है या थारपारकर है, कोई भी अगर गाय रहती है, जब उसकी ताज़ी डिलीवरी होती है, तो ताज़ी डिलीवरी होने के बावजूद वो अपने बच्चे के नज़दीक किसी को नहीं आने देती, पर फिर भी गाय का जो स्वभाव है, नेचर है, वो आपने देखा, बिल्कुल शांत चित्त की गोवंश है। दूध देने की क्षमता के बारे में अगर दोस्तों बात करें, तो उसकी जो दूध देने की क्षमता रहने वाली है, वो 15 से 16 लीटर के समथिंग की रहने वाली है। अभी गाय ने सेकेंड टाइम मेल काफ को जन्म दिया है, अभी ताज़ी डिलीवरी हुई है। गाय की डिलीवरी का अभी जो टाइम हुआ है, वो लगभग 4 से 4.5 घंटे का टाइम अभी हो चुका है। और अभी ताज़ी डिलीवरी होने के बावजूद जो गाय की अटर की बनावट है, अटर की क्वालिटी है दोस्तों, वो आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन। एक बार फिर से बताना चाहूँगा नज़दीक से आपको, क्योंकि इस तरह की गाय की जो अटर की बनावट देखने को आपको मिलती है, वो हर गोवंश के अंदर नहीं मिलती। टीट्स का साइज, मुठिया, थनों के अंदर जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। और दोस्तों, गाय हम आपको चला करके भी दिखा देते हैं कि स्वभाव इसके बावजूद कि गाय भागदौड़ करने वाली है, वैसे वो चीज़ नहीं है, कि बिल्कुल शांत स्वभाव होने के बावजूद जो देसी गोवंश के अंदर जो मेन तौर पर जो बॉडी करेक्टर्स के मायने रखते हैं, या फिर अगर इसकी बात करें अटर की क्वालिटी के बारे में, नेचर के बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार गोवंश है। और अभी दोस्तों, जब बात आती है कीमत के बारे में कि इसकी प्राइस, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, तो इस गोवंश की जो कीमत रखी गई है वो 55,000 रुपये। दोस्तों, आपके गोवंश की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप हमारे को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ एक और बेहतरीन और शानदार गोवंश की वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय गो माता।